नमस्कार, आज 26 जनवरी है। आज का दिन सभी भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। साल 1950 में आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था, तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। आप सभी लोगों को जी न्यूज की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। में गणतंत्र दिवस का जश्न, राजपथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को 26 जनवरी की बधाई। गणतंत्र दिवस को देखते हुए देश भर में हाई अलर्ट, देश में चाक चौबंद सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में परेड समारोह स्थल पर कड़े इंतजाम। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगा पीएम मोदी के लुकिस्ट पॉलिसी की झलक। पहली बार एक साथ 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मेहमान। गणतंत्र दिवस समारोह में मेहमानों के म्यांमार की स्टेट काउंसिल आंग सान सू की भी पहुंची। ब्रुनेई के सुल्तान, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस के पीएम भी परेड देखे। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अमर जवान ज्योति से होगी। पीएम मोदी शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पर फहराएंगे तिरंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल सी संदीप की कमान में राष्ट्रपति को दी जाएगी 21 तोपों की सलाम। राजपथ पर पहली बार दिखेगा 10 आसियान देशों का दस्ता। आसियान दस्ते के साथ कर्नल बोगी की मधुर धुन के साथ भारतीय सेना का बैंड भी शामिल होगा। राजपथ पर निर्भय, ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल की टिकड़ी दिखेगी। T-90 टैंक, फुल बिछाने वाला टैंक 70 और हथियार खोजी राडार स्वाति का भी प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत MI-17 और देसी हेलीकॉप्टर रुद्र की फ्लाइट पास के साथ होगी। MI-17 V-5 की आसियान के झंडे के साथ उड़ान भरेगा। एयरफोर्स के फ्लाइट पास में 38 विमान आसमान में दिखेंगे करतब। 12 फाइटर, 12 हेलीकॉप्टर और 5 ट्रांसपोर्ट विमान के शोर से गूंजेगा आसमान। राजपथ के छात्र कदम कदम बढ़ाएगा कि धुन के साथ राष्ट्रपति को देंगे सलामी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के धुन के साथ गर्ल्स एनसीसी बैंड भी होगा मार्च में शामिल। राजपथ पर पैदल दस्तों में सबसे पहले पंजाब रेजिमेंट देगा राष्ट्रपति को सलामी। जो बोले सोनीहल सच्ची अकाल के युद्ध घोष से गूंजेगा राजपथ। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पीछा की जय। भारती की जोशीली धुन के साथ नौसेना का दस्ता देगा राष्ट्रपति को सलामी। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार दुनिया देखेगी बीएसएफ की नारी शक्ति। 27 महिला बाइकर्स खतरनाक स्टंट करती नजर आई। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में अलग अलग राज्यों की दिखेगी सांस्कृतिक विरासत। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समेत कुल 23 झांकियां शामिल होंगी। कर्नाटक के जंगल थीम से होगी झांकियों की शुरुआत। गुजरात की झांकी में गांधी जी के दांडी मार्च का दिखेगी छवि। राजपथ पर पहली बार ऑल इंडिया रेडियो की झांकी भी होगी। पीएम मोदी के मन की बात को व्यापक रूप से दिखाने की कोशिश। गणतंत्र दिवस के परेड में नहीं दिखेगी दिल्ली की झांकी। दिल्ली सरकार ने वक्त पर नहीं भेजा था प्रपोजल। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की आखिरी होगी झांकी। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार आयकर विभाग की झांकी होगी। काले धन के खिलाफ मोदी सरकार के अभियान की झलक। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार विजेता बच्चों के समारोह में हिस्सा लेंगे 7 लड़कियों समेत कुल 18 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड में चौथी पंक्ति में बैठेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया अपमान का। पहली बार पहली पंक्ति में कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं दी गई है सीट। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नाराज, पीछे की सीट मिलने से कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस के मौके पर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया राष्ट्रपति हाउस। राजपथ के आसपास चाक चौबंद इंतजाम। गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश। रामनाथ कोविंद ने कहा 21वीं सदी में नई बुलंदी पर पहुंचेगा भारत। राष्ट्रपति कोविंद ने कुपोषण को सबसे बड़ी चुनौती बताया। किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कहा उचित कदम जरूर। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा इस पर्व से संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। नत्तर में गणतंत्र दिवस पर पूरी में सैंड आर्टिस्ट मानस साहू ने रेत में बनाया तिरंगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई का सीएसटी रेलवे स्टेशन और पीएमसी तिरंगे की रोशनी में नहाया।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज केरल के स्कूल में फहराएंगे तिरंगा। केरल सरकार ने सिर्फ सरकारी विभाग के हेड को ही झंडा फहराने का जारी किया सर्कुलर।